रीवा जिले की 827 ग्राम पंचायतों में किस कदर गदर मची हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। पिछले कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में कार के नाम पर किए गए फर्जी आहरण पर वर्तमान कार्यकाल में पूर्व के सरपंच और सचिवों द्वारा कार्य कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका वर्तमान सरपंच जगह जगह विरोध कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या पिछले कार्यकाल में जिन कार्यों के लिए पैसे निकाले गए वह वर्तमान सरपंच के कार्यकाल में कार्य कराए जा सकते हैं? क्या इस प्रकार के अवैधानिक और बिना कार्य कराए किए गए राशि का आहरण गबन और दुर्वियोजन की श्रेणी में नहीं आता? यदि विशेषज्ञों की माने तो प्रत्येक कार्य के लिए ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग एवं मनरेगा की राशि का आहरण क्रमवार किया जाता है, जिसमें कार्य करने के पूर्व लेआउट किया जाता है, जिसके बाद नींव का काम होने के बाद कार्य का इंजीनियर द्वारा मूल्यांकन होता है और मूल्यांकन पश्चात ही पैसे निकाले जाते हैं। अंतिम राशि की निकासी कार्य के अंतिम मूल्यांकन और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ही निकाली जाती है, लेकिन ग्राम पंचायतों में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम का बिल्कुल ही पालन नहीं किया जा रहा है और न ही उन नियम कायदों का पालन किया जा रहा है जो समय समय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सर्कुलर और नोटिफिकेशन के जरिए ग्राम पंचायत जनपद और जिला पंचायतों को जारी करते रहते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में भी पंचायती कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश पंचायत भंडार क्रय अधिनियम बनाया गया है, जिसके तहत 5,000 से अधिक और 50,000 रुपए के बीच की सामग्री क्रय करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जाता है, इसके बाद ही राशि निकाली जाती है, जबकि 50,000 से अधिक कीमत वाले सामग्री क्रय हेतु बड़े स्तर पर निविदा जारी की जाती है और उसका इश्तिहार और नोटिफिकेशन पेपर पत्रिकाओं के जरिए निकाला जाता है। इस निविदा में आमंत्रित किए गए उन वेंडरों का भी चयन होता है जिन्होंने सबसे कम राशि में कार्य करवाने हेतु निविदा में हिस्सा लिया है, लेकिन ऐसे किसी भी अधिनियम का पालन ग्राम पंचायतों में नहीं किया जा रहा है और मन मुताबिक कमीशन को आला अधिकारियों और इंजीनियरों की मदद से सरपंच सचिव राशि हजम कर लेते हैं और जब शिकायत होती है तो CEO जिला पंचायत और अन्य आला अधिकारियों के सहयोग से कार्य पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। कई बार तो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मौखिक तौर पर भ्रष्टाचार, कई सचिव और GRSS को गबन के FIR करवाने के बजाय पिछले राशि हजम किए हुए कार्यों को भी कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। रीवा जिले से सुदूर स्थित जवा जनपद में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि ग्राम पंचायतों में पिछले कार्यकाल में लाखों करोड़ों रुपए आहरित कर लिए गए और कार्य आज तक नहीं हुए। भनगवा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी गंगा प्रसाद मिश्रा ने CEO जिला पंचायत संजय सौरभ सोनवाने के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर वर्तमान पदस्थ सचिव विवेकानंद पांडे की कार्य गुजारी के बारे में अवगत कराया और पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र और अमृत सरोवर के नाम पर अंधाधुंध की गई निकासी की शिकायत की है। मैं गंगा प्रसाद मिश्रा ग्राम पंचायत भंडमा जनपद पंचायत जवा का निवासी हूँ। मैं आज जिला पंचायत आया था CEO साहब से मिलने, मुलाकात नहीं हुई है। मैं सचिव विवेकानंद पांडे की शिकायत लेके आया था। सचिव विवेकानंद द्वारा हितग्राही मूलाकार में कार्य में लापरवाही की जा रही है। सत्यम तिवारी को नाम के लड़के को पंचायत भवन के कार्य के लिए रखा गया है। उनके द्वारा राशन कार्ड की बिक्री की जा रही है। ID में नाम जोड़ने और काटने का पैसा लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने पहले भी लिखित कर चुके हैं जवसियों से। अम्बित सरोवर तलाव का निर्माण कराए हैं, आज तक वो जो है फूट गया है, उसमें पानी भी नहीं है, खराब पड़ा हुआ है। 6 लाख के आसपास उसका पैसा निकाल लिया गया है और उसका जो है मास्टर नहीं निकाल रहे हैं। नाली का बरहाठा में नाली का मधूरा पड़ा हुआ है। कचरा सेट जो है उसका भी राशि निकाल लिए हैं। संतिंग को भी जमीन लेवल में काम उसका पड़ा हुआ है। पंचायत भवन का ये 6 लाख के आसपास पैसा निकाले हैं और उसकी भी मजदूरी लंबित है, उसके मजदूरी भी नहीं निकाल रहे हैं और जबरदस्ती पंचायत भवन का काम कराना चाहते हैं ताकि लीपापोती हो सके। सचिव विवेकानंद द्वारा कई भ्रष्टाचार पहले भी कोनी में जागर हुआ है, इसकी शिकायत लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम लालमन साहू है।
सर मैं ग्राम पंचायत कोनी कला का रहने वाला हूँ। जवा ब्लॉक है मेरा, ये थाना तरैला है। इसमें हमारे कोनी पंचायत में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है साहब। सालम से हम शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सीओ साहब से मिलने आए थे तो फोन लगाए तो बोलते हैं अर्जी दे दो, हम मैं शिकायत दे दो, मैं देख लूँगा बाद में आएंगे। ऐसे हर बार बोलते हैं, कोई कभी जांच में नहीं गया ना कोई सुनता है। सालन से हो गया साहब, वो करोड़ों का घोटाला हुआ है। गौशाला है, आंगनबाड़ी केंद्र सब पड़े हैं, आठ 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 रुपया आठ आठ लाख निकल गई है। उसमें काम कुछ नहीं हुआ, सब उसे अधूरा पड़ा हुआ है। गौशाला में 20 से 22 लाख रुपया निकाल के चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गई थी। 2 साल बाद हम शिकायत किए, तब उसके शिकायत के जाँच के लिए आदेश हुआ, तब उसका जो है तो काम लगाया गया। हमारी शिकायत नहीं हुई, जांच नहीं हुई, उसमें काम लगाया गया। तो हम पूछे कि किसके कहने में काम लगा है, जब शिकायत किए हैं तो कोई कुछ बोलता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब गए थे, बोलते हैं जो हमारा मन होगा वह करेंगे, तुमको जो करना हो करते रहो। ऐसे वो रोजगार सहायक और सचिव बोलते थे कि जो करना हो करो, हम जो मन होगा तो हम करेंगे। इसलिए कोई आज तक हमारा साल भर हो गया, कोई जांच नहीं हुई ना कोई सर सुनने वाला है। इसलिए हम परेशान हैं। सीओ साहब के लग, कलेक्टर साहब के लग, कमिश्नर साहब के लग, सभी के अर्जी दिए हैं, कोई कभी कोई जांच नहीं गई। कहाँ चली जाती है, क्या हो जाता है, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ना। ब्लॉक में जाते, जनपद में जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आई यहाँ आज तक। हम यही से परेशान होते हैं। कम से कम तो 50 पेड़ यहाँ दे गए जिला पंचायत में, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, आज तक कोई आदेश जाँच को नहीं हुआ है।